फेसबुक ने 10,000 आदमी निकाल दिए, गूगल ने 12,000 और अमेज़न ने 18,000। यही चीज माइक्रोसॉफ्ट, जूम, जितनी भी आईटी कंपनी है, जोरों शोरों से फायरिंग चल रही है। एम्प्लॉय की भर्ती हो या एम्प्लॉय की फायरिंग, आईटी कंपनियां हमेशा खबरों में रहती है। जब तेजी होती है तो हायरिंग की न्यूज बनती है, इतने आदमी लिए, उतने आदमी लिए, ये पैकेज दिया, वो पैकेज दिया। और जब मंदी होती है तो न्यूज बनती है, इतने आदमी को निकाला, उतने आदमी को निकाला। लेकिन सभी कंपनियों में हायरिंग वायरिंग तो होती है, लेकिन आईटी कंपनियों में ये कुछ एक्स्ट्रा है, जरूरत से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? अपने फील्ड में नंबर वन होने के बाद, करोड़ों अरबों का प्रॉफिट होने के बाद, जैसे ही रिसेशन आता है, ये पहली कैची एम्प्लॉय पे चलाते हैं। ऐसा क्यों? आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 4 रीजन कि ऐसा आईटी कंपनी में ही क्यों होता है। तो अगर आप आईटी कंपनी में काम करते हो, या आईटी कंपनी में काम करने जा रहे हो, या आपके आस पड़ोस परिवार में कोई भी बंदा आईटी कंपनी से जुड़ा हुआ है, ये वीडियो जरूर उसको फॉरवर्ड करना। जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले समझते हैं आईटी के बिजनेस को। आईटी का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत ज्यादा आदमियों की जरूरत ही नहीं है। अगर एक बार कोई ऐप बन गया या कोई सर्विस आ गई तो मिलियन लोग वैसे ही डाउनलोड कर सकते हैं। जब व्हाट्सएप ने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और इसके शुरुआती 50 मिलियन कस्टमर हुए थे, 5 करोड़ लोग, तब इनके पास स्टाफ सिर्फ 49 लोगों का था। यानी ऑन एवरेज एक आदमी 10 लाख यूजर्स को संभाल रहा था। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फेसबुक और वॉलमार्ट, लगभग दोनों की वैल्यूएशन एक जैसी है, रेवेन्यू एक जैसे है, लेकिन वॉलमार्ट के पास फेसबुक की तुलना में 25 गुना ज्यादा एम्प्लॉई है। तो राहुल जी, जब इनको इतने एम्प्लॉई की जरूरत ही नहीं पड़ती तो ये फिर हायर क्यों करते हैं इतना, लाखों लोग लेके बैठे क्यों? पहला कारण है डाइवर्सिफिकेशन। ये क्या होता है सर? देखो सर, एक आईटी कंपनी ने एक काम चालू किया, वो काम बहुत सक्सेसफुल हो गया, उससे बाजार में प्रॉफिट आ गया, रेवेन्यू आ गया, मजा आ रहा है, लेकिन क्या उसी एक के भरोसे ही रहना है क्या? एनी टाइम ये एक काम के अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट रन करते हैं कि चलो इससे तो कमा ही रहे हैं, दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या, पांचवा क्या। इसलिए इनको ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत रहती है। जैसे आपको एग्जाम्पल से बताऊं, गूगल चालू क्या हुआ था, सर्च इंजन था, भाई सर्च करेंगे, लेकिन साथ के साथ उन्होंने 10-15 प्रोजेक्ट और चलाए कि चलो और कुछ करते हैं। उनमें से एक प्रोडक्ट था एंड्रॉयड, सफल हो गया, देखो उसकी सक्सेस स्टोरी। यूट्यूब लिया, उससे काम हुआ, गूगल डॉक बनाया, गूगल शीट बनाई, अभी सेल्फ ड्राइविंग कार की बात कर रहे हैं। तो एक बार में एक मेन काम के अलावा 7-8 अलग अलग प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखते हैं, इसलिए इनको उन व्यक्तियों की जरूरत होती है। तो यही कारण है कि इनके पास जरूरत से ज्यादा हायरिंग करते हैं। जरूरत 10,000 की है, ये रख लेंगे 40,000, क्योंकि 30,000 अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो राहुल जी फायर क्यों करते हैं? सेम कारण कि भैया एक साथ 30 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनमें से 10 प्रोजेक्ट नहीं चले, फेल हो गए। एक साल, दो साल, तीन साल मेहनत की, सोचा था ऐसा कुछ बनाएंगे, नहीं बना, हटा देंगे टीम। जैसे मान लो इस समय गूगल एक्सपेरिमेंट कर रहा है सेल्फ ड्राइविंग कार का, इतने पैसे लग रहे हैं, इतने आदमी लग रहे हैं, इनको लगा यार 5 साल हो गए अब तो नहीं चल रहा, बंद कर देंगे, पूरी टीम फायर हो जाएगी। या फिर सर इसमें तो है ना बजट लगना था 100 मिलियन का, या तो 200 मिलियन लग रहा है, बंद कर। क्योंकि जब रिसेशन आता है या मंदी आती है, कोई भी एडवर्स सिचुएशन आती है, जब इनको लगता है इनका कोई क्लाइंट टूट गया या मेन जो कंपनी है उससे रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ, तो ये क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए उस प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं। बोले राहुल जी बंद करने की क्या जरूरत है, चलने दो। वो चलने देंगे तो क्या होगा, इनका अल्टीमेटली प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा, सारी कंपनियां लिस्टेड है, इनके शेयर बाजार के भाव कम हो जाएंगे, इनका इन्वेस्टर पैनिक कर जाएंगे। तो ये इन्वेस्टर के सामने कभी नहीं दिखाना चाहते कि हमारा प्रॉफिट कम हुआ। तो जब इनकी रेवेन्यू कम होती है तो ये फालतू के खर्चे काट के प्रॉफिट को बैलेंस कर लेते हैं। रिसेशन आने पे क्या क्या होता है, ये तो आपको सबको पता ही है कि भैया इकोनॉमी डाउन है, जॉब जारी है। लेकिन ऐसे रिसेशन जब आपकी जिंदगी में आए, जब आप जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट है या बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे दौर में आपको क्या करना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जाइए कुकू एफएम पे, वहां पे एक बुक है हाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम रिसेशन इन 2023। इस बुक को जाके पूरा वर्ड बाय वर्ड सुन भी सकते हैं। आपको लगता है इतना लंबा कौन सुनेगा, तो इसकी समरी भी सुन सकते हैं। और ये नॉर्मल अगर मोबाइल पे कोई ई बुक पढ़ते हैं तो आपका टाइम भी ज्यादा लगता है, प्लस आपकी आंखों पे थोड़ा सा स्ट्रेस आता है। और कुकू एफएम में क्या है, स्क्रीन देखने की तो जरूरत नहीं है, गाड़ी में बैठे रिकॉर्डिंग लगाई और सुनते सुनते काम भी हो गया, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और बुक भी कंप्लीट। और आने वाला रिसेशन में क्या होगा ये जान सकते हैं कि पहले रिसेशन जब आया था तब क्या हुआ था। उसके लिए एक और बुक आपको सजेस्ट करता हूं, लर्निंग फ्रॉम 2008 ग्रेट रिसेशन, कि 2008 में जब रिसेशन आया था क्यों आया था, क्या हुआ था, कैसे फंसे थे और कैसे निकले थे, ये बुक भी आपको कुकू एफएम पे मिल जाएगी। और इसके अलावा हिस्ट्री, फाइनेंस, इकोनॉमी, इससे रिलेटेड 10,000 से ज्यादा किताबें कुकू एफएम पे मौजूद है। और ये सारी नॉलेज अवेलेबल है सिर्फ 99 रुपए पर मंथ की छोटे से फिगर पे। और इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो RM50 कोड यूज में ले लेना, पहले महीने पर 50% ऑफ हो जाएगा और आपको पड़ेगा मात्र 49 रुपीज में। और हाँ, कुकू एफएम को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सेकेंड रीजन है टू किल कॉम्पिटिशन।
आईटी के बिजनेस में आप देखो, आईटी एक सर्विस बिजनेस है, सर्विस बिजनेस में बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं लगती, कोई आपको जमीन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, कोई आपको मशीनें नहीं चाहिए, कोई आपको माल नहीं चाहिए। आईटी कंपनी की सबसे बड़ी असेट और सबसे बड़ी कॉस्ट सिर्फ एम्प्लॉई तो है। अगर एक एम्प्लॉई है, उसके पास आइडिया है और दो जने बैठ गए तो बन गई कंपनी। जब नया यंग टैलेंट बाजार में घूमेगा, उसके दिमाग में आइडिया आएगा, चार दोस्त बैठेंगे, नई कंपनी बना देंगे, तो नई कंपनी बनाएंगे तो नुकसान किसको होगा? इन पुरानी कंपनियों को जो सेटल्ड है, ये नहीं चाहते कि मोनोपोली मेरी टूटे, तो ये नए टैलेंट को इधर उधर घूमने ही नहीं देते। इनका पहला अंतर क्या आता है, जैसे ये कॉलेज है, मान लो एक बहुत रेपुटेड कॉलेज है जहाँ से शानदार टैलेंटेड बच्चे निकलते हैं, इस बैच में जितने बच्चे पास हुए उनको भैया एक काम कर, टॉप टैलेंट को मैं कंपनी में हायर कर लेता हूँ, चाहे मुझे एम्प्लॉय की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको हायर नहीं करूँगा तो कोई और हायर कर लेगा, और कोई और हायर नहीं करेगा तो ये खुद का स्टार्टअप कर लेगा, कंपटीशन तो अल्टीमेटली मेरे को ही देगा, तो हायर कर ले भाई। कई बार क्या काम करते हैं, इनको लगता है सामने एक स्टार्टअप ऑलरेडी चालू है और जो बहुत टैलेंटेड है और आज नहीं तो कल चुनौती देगा, ये उस स्टार्टअप टीम को जाके कहते हैं क्या पैकेज है, 1 करोड़ 2 करोड़ मेरे से ले ले, इधर आ जा। चाहे इनको जरूरत हो चाहे नहीं जरूरत हो, डबल पैकेज 3 पैकेज पे आसपास के स्टार्टअप की टीम तोड़ने का काम करते हैं, उस चक्कर में इनकी एक्स्ट्रा हायरिंग होती रहती है। तो राव जी, अगर ये इसी तरह से कर रहे हैं तो फिर जब बैड टाइम आता है, जब बुरा समय आता है, जब रिसेशन आती है, तब निकाल क्यों देते हैं? तब भी तो इनको एक खतरा है। नहीं, तब इनको खतरा नहीं है, क्योंकि जब रिसेशन है, इतने बड़े कॉन्ग्लोमरेट की लंका लगी हुई है, इनके क्लाइंट टूट रहे हैं, इनका मार्केटिंग गिर रहा है, तो ये बच्चे बाजार में क्या कर लेंगे? उस समय अगर इनको फायर भी कर दिया तो इनको स्टार्टअप, इनका आइडिया भी है तो इनको पैसे नहीं देगा, कोई और कंपनी नौकरी नहीं रखेगी, तो ये उस समय तो वैसे भी काम के नहीं है, और जब तेजी आएगी वापस ले लेंगे। रीजन नंबर 3, डिमांड एंड सप्लाई। जैसा मैंने आपको बताया, आईटी में सबसे बड़ी कॉस्टिंग क्या है? एम्प्लॉई। और सबसे बड़ी असेट क्या है? एम्प्लॉई। बढ़िया एम्प्लॉई सबको चाहिए होता है, उसके लिए मुंह मांगे दाम देने को तैयार है। तो जो बढ़िया टैलेंट होता है, टॉप टैलेंट, वो क्या करता है, आप नोटिस करो, इस तरह से वो कंपनी का इंटरव्यू लेता है। मतलब जैसे मैं बहुत बड़ा टेक हूं, तो मुझे ट्विटर कहता है भाई साहब आप हमारे पास आते क्या? बोले देखो रुक जाओ, अभी माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है, माइक्रोसॉफ्ट तू क्या कहता है, और भाई साहब हम 7 दे देंगे, हाँ ठीक है 7। और फेसबुक क्या बोलता है, 7 दे रहा है, तू बता रहा कुछ? फेसबुक कहता है भाई हम 10 करोड़ दे देंगे, हाँ चलो जी मैं तो उसके पास जा रहा हूँ। मतलब वो इतना बड़ा जो टैलेंट है वो चूज करता है कि तुम में से किसके पास काम करूं, और सब जने मर रहे हैं कि भाई हमारे पास तू आ जा। तो जब अच्छे दिन चल रहे होते हैं ना, तब वो उसकी कैपेसिटी मान लो 5 करोड़ की है, लेकिन वो ऐसे बार्गेनिंग करता करता 10 करोड़ में एक बड़ी कंपनी पकड़ लेता है। लेकिन क्या होता है, जब रिसेशन आता है, अब भैया अब रिसेशन आया, तो फेसबुक के पास ये 5 करोड़ के आदमी को 10 करोड़ देके रख रखा था इसने, अब फेसबुक के पास बाजार में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया गया, इसी लेवल के टैलेंट के आदमी, 5 करोड़ के आदमी 4-4 करोड़ में, कि भाई साहब सुनो 5 के 4 ही दे दो हमें, रख तो लो। तो फेसबुक को जब उसी टैलेंट का आदमी को 5 के 10 देने पड़े, वैसे टैलेंट का आदमी जब 4 में मिल रहा है, तो 10 वाले की बढ़ती है लात। फिर ये 10 वाला जाता है किसी के पास 5 में, 5 वाला जाता है 3 में, और इस तरह से ओवरऑल कॉस्ट डाउन हो जाती है। जैसे तेजी के टाइम पे ओवरऑल कॉस्ट ऊपर जाती है, मंदी के टाइम पे ओवरऑल कॉस्ट डाउन जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक वर्ड आपने सुना होगा, बेंच स्ट्रेंथ। बेंच स्ट्रेंथ क्या होती है? मान लो मैं एक आईटी कंपनी हूँ, मैंने कहा देखो ऐसा है 100 आदमियों की मेरे को जरूरत है, लेकिन मैं इसका 50% आदमी एक्स्ट्रा रखते हैं, तो 100 आदमियों की जरूरत है तो मैं उसके पीछे 50 रखेंगे, 150 का हमारा स्टाफ रहेगा। अब मान लो उस प्रोजेक्ट में क्लाइंट ने, रिसेशन आया, क्लाइंट ने कह दिया अब 100 आदमी की जरूरत ही नहीं है, हमें तो 80 की जरूरत है, तो 20 आदमी तो वो वाले फायर होंगे, लेकिन 10 आदमी बैकअप वाले भी फायर होंगे। जैसे हायरिंग डेढ़ी हुई थी, वैसे इनकी फायरिंग भी डेढ़ी होती है। और कभी कभार क्या होता है, रेशियो कम हो जाता है कि चलो ठीक है, वो 100 के पीछे 50 रख रहे थे, अब मंदी हो गई तो हमने कहा एक काम करो, 100 के पीछे 50 की क्या जरूरत है, 100 के पीछे 25 ही रख लेते हैं, काम तो चल ही रहा है। तो कई बार वो रेशियो कम हो जाता है, कई बार ओवरऑल ही कम हो जाता है। तो ये कारण थे आईटी कंपनियों में उम्मीद से ज्यादा, क्योंकि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे या कोई और चीज की बात करोगे, तेजी के टाइम बहुत ज्यादा हायरिंग नहीं करते, क्योंकि वही दुकान तो वही है, मशीन तो वही है, और क्या कर लेंगे। मंदी के टाइम पे बहुत ज्यादा फायरिंग भी नहीं होती, क्योंकि फिर बाद में नहीं मिलेंगे। और कोई सवाल आप उनसे पूछना चाहें और कोई टॉपिक जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और बाकी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, कुकू FM को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।